स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ आई विल कंटिन्यू योर क्लास ऑफ एक्सरसाइज 11 से। 11 भी आप लोगों को कल मैं समझाया ही हुआ था सेकेंड पार्ट वीडियो बनाकर, और इसका फॉर्मूला 11C का फॉर्मूला जो था मैंने कल लिखवाया था वीडियो में, वो आप वीडियो को देख लीजिएगा। नहीं देखे होंगे तो 11C में मैंने फॉर्मूला, तो 11B के पार्ट टू में मैंने वीडियो, पार्ट टू के वीडियो में मैंने 11C का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखवाया हुआ है, वो देख लीजिएगा। और उसको लर्न करना है, मैंने कल ही बोला था, तो लर्न नहीं किया वो लर्न कर लेंगे। तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था SI का, SI इक्वल टू पी टू आर इंटू टी बाई 100, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI एंड रेट इक्वल टू 100 इंटू SI बाई पी इंटू टी, और टाइम इक्वल टू 100 इंटू SI बाई पी इंटू आर, और प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू SI बाई आर इंटू टी। ये फॉर्मूला को आप लर्न कर लेंगे। देखिए पहले इसमें ये जो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है, ये 11C, उसमें इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, जैसे क्या होता है, इस तरह को समझ लेते हैं। जैसे हम कोई चीज़ किसी से, हमारे पास पैसे नहीं है, जैसे हम मानिए कोई पैसा हम उधार ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो हम कर्ज ले रहे हैं तो उसके मतलब जो एक्स्ट्रा मनी लेता है हमसे, जो एक्स्ट्रा मनी लेता है वो इंटरेस्ट कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। और जो पैसा हम लिए उसको प्रिंसिपल कहते हैं, उसको पी से डिनोट करते हैं। और वो एक्स्ट्रा, सॉरी, वो जो पैसा हम उससे लिए हैं, जो प्रिंसिपल हम लिए हैं, उस पर जो एक्स्ट्रा मनी वो लेता है, उस पर जो एक्स्ट्रा मनी लेगा वो इंटरेस्ट कहलाएगा। और जितने रेट पे जो प्रिंसिपल वो हमें देगा, जो पैसा हमें कर्ज देगा, वो एक रेट पे देता है, रेट पे देता है, तो उस रेट को हम डिनोट करते हैं 5% पर एनम, 3% पर एनम, जैसे जिस रेट से दे वो हमें कर्ज, उस रेट को परसेंट पर एनम से शो करते हैं। और टाइम यानी ड्यूरेशन होता है कि हम उसको पैसा जो है कितने समय के बाद रिटर्न करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, तो टाइम कहलाता है। और जो पैसा हम कर्ज लिए हैं और जो इंटरेस्ट बना है, वो दोनों को जब ऐड करते हैं तो उसे हम अमाउंट करते हैं, उसे हम अमाउंट करते हैं। ये समझ गए। अब आते हैं एक्सरसाइज में। देखिए 11C में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली सम को बांटना है, दिया गिवन क्या क्या है, तो क्वेश्चन ए नंबर में गिवन है प्रिंसिपल 786% टाइम पीरियड, तीन चीज गिवन है, तो हमें SI निकालना, अमाउंट निकालना, तीन चीजें गिवन मतलब, तो आपको SI और अमाउंट निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, SI फॉर्मूला आपको था, SI का मैंने कल लिखवाया था, P इंटू R इंटू T बाय 100, यानी प्रिंसिपल और कितना तो 700, डेट कितना तो 6, और टाइम कितना तो 500, 107 टाइम्स कटेगा, यानी यहाँ पर कितना होगा वैल्यू, 786 + 12 = 700 80। फिल इन द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो बस लिखे। लेकिन सेकेंड नंबर में 11C का जो सेकेंड नंबर है उसमें आपको निकालना है SI और अमाउंट निकालना है, तो उसमें सॉल्व करके सेकेंड नंबर पे बनाना पड़ेगा, जो ऐसे ही बनाएंगे आप सॉल्व करके। उसके बाद मैं 3 नंबर बताता हूँ, इसमें प्रिंसिपल निकालना है, दिया गिवन क्या क्या, तो SI गिवन, रेट गिवन, टाइम गिवन, प्रिंसिपल आप जानते हैं निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू SI बाय रेट इंटू टाइम, तो 100 SI कितना है, SI आपका 270, रेट कितना 8, टाइम कितना 5, जो कटने हैं तो काट लेते हैं, पहले 21 में 5 के टेबल से 4 टू जाए 4 5 22 के टेबल से,11 by 5,
तो चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो ये आ गया आपको 2 होल 1/5, 2 होल 1/5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ 2 होल 1/5 का? तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो टाइम है ना, अब चेंज करना चाहते हैं आप इसको मंथ में, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 होल 1/5 है तो ये आपको 2 ईयर्स और 1000 principal given a rate 5% SI 100 ठीक है, एंड इनटू SI 100 इनटू SI principal 1000 इसमें आंसर में रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए आप आंसर को नहीं ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर यही होगा 2 होल 1/5 का आंसर आपका रॉन्ग दिया हुआ है, नेक्स्ट फैक्शन नहीं है, बाकी क्वेश्चन सही होगा, बाकी का आंसर सही होगा, देख लीजिए सॉल्व कैसे है, लेकिन एक आज रॉन्ग दिया हुआ क्योंकि आप 100 से 1000 10 टाइम्स करना ठीक है, 10 से 100 10 को काट के 11 टाइम्स करना ठीक है, नीचे अपॉन 5 बाय 11 अपॉन 5 5 टू द 10 और 1 11 ठीक है, हमें सही हमेशा सही निकाला ठीक है। उसका मैं 5 नंबर नहीं बता रहा हूँ, इसमें रेट निकाला, तो फिर ये भी फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू टी। अब मैं 6 बता रहा हूँ, 6 भी सेम है ही है, इसलिए मैं 6 बता रहा हूँ। 6 में प्रिंसिपल गिवन 800, अमाउंट गिवन 1000, टाइम गिवन 2 ईयर, इसमें भी आपको इसमें रेट ही निकालना है 5 की तरह। रेट इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू टी, इसमें एक बात ये ध्यान दीजिए, अमाउंट आपको गिवन है, एसआई गिवन ही नहीं है, तो एसआई आपको निकालना पड़ेगा पहले, एसआई आपको निकालना पड़ेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 1000 माइनस 800, एसआई निकालने का एक और फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, उसको उस पर आप अप्लाई करके निकालेंगे, 1000 से 800 घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया आपका 200 रुपीज आ गया सर, 200 यहाँ पुट करेंगे आप 200 बाय पी दैट मीन्स 800 और टाइम आपका 100 से 800 8 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 100 100 टाइम्स, और 100 4 के टेबल से 8 2 टाइम्स 4 के टेबल से ये 25 दैट इज 25 बाय 2 यानी 12 होल 1/2% पर एनम आपका रेट आ चुका होगा। इसका भी ऐसे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, इलेवन सी का क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ठीक है, इसे पॉइंट में दिया हुआ, आप चाहे तो पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, 12.2%, मैंने मिक्स पैसे में चेंज किया, पॉइंट में कर सकते हैं 12.5% आएगा आपको पड़ेगा। चलिए तो आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है, व्हाट प्रॉब्लम जो था 6 नंबर का मैं बताया हूँ, कैसे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ वो इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेना है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और तब उसको सॉल्व करना है, निकालना जो है उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे आप, सेम ऐसे ही व्हाट प्रॉब्लम को भी ऐसे ही सॉल्व करके निकाल लेंगे, पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेंगे और तब सॉल्व करेंगे। इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक अटेम्प्ट करके लाएंगे 11 से। थैंक यू।